नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें हम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख रहे हैं। और आज हम जो है पेपर संख्या 28 जो कि कनीय सहायक से संबंधित है, RSMSSB विभाग के द्वारा करवाया गया था 19/8/2018 को, तो उसके अंदर राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? तो खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है वो राजस्थान के अलवर जिले में है। कहां पर है? अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ए, चमड़ा उद्योग का। अगला प्रश्न है आपका, ग्रेनाइट की कटाई व पॉलिशिंग की इकाइयां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ग्रेनाइट की कटाई आऊ पॉलिशिंग की इकाइयां राजस्थान के किस जिले में पाई जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका ये सभी, यानी चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जोधपुर। ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग की जो इकाई है वो आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जोधपुर में आती है। अगला, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है भाई? आपके तापीय शक्ति, ठीक है। और इसमें राज्य का ऊर्जा का लगभग कितना है ये? इसमें 60% हिस्सा, इसका ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है, यानी शेयर स्वामित्व में है? तो राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, माही परियोजना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है तो वो कौन सा है? इसका उत्तर होगा आपका डी, राजवल्लभ। बाकी रसिक प्रिया, संगीत राज और संगीत मीमांसा। रसिक प्रिया, संगीत राज और संगीत मीमांसा, ये आपके कुंभा द्वारा रचित है और राजवल्लभ नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर होगा आपका सी, स्वामी गोविंद गिरी ने। किसने? स्वामी गोविंद गिरी ने किया था डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व। अगला है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा आपका बी, नैनूराम शर्मा। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो हाड़ौती सेवा संघ का जो संस्थापक था वो था आपके नैनूराम शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था? तो मत्स्य संघ जो नाम है वो किसके प्रस्ताव पर रखा गया था? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, के एम मुंशी के द्वारा। किसके द्वारा? के एम मुंशी के द्वारा ये नाम रखा गया था 18 मार्च 1948 को। अगला है, जालौर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? जालौर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की कहानी जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? उत्तर होगा आपका डी, कानड़ देव प्रबंध के द्वारा प्राप्त होती है, कानड़ देव प्रबंध के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? इनमें से कौन सा नृत्य जो है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा आपका चरी नृत्य, जो आपके महिलाओं द्वारा किया जाता है। बाकी गेर, चंग और कच्ची घोड़ी पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और चरी नृत्य किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है चरी नृत्य। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फलकुबाई है, याद रखिएगा। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकुबाई। अगला, विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? इसका उत्तर होगा आपका सी, जाम्बोजी है विष्णु संप्रदाय के संस्थापक। जाम्बोजी का जन्म कहां पर हुआ था? पीपासर नागौर में। 1485 में इन्होंने समराथल बीकानेर में विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका समाधि स्थान कहां है? मुक्काम, ठीक है, बीकानेर में है, जहां पर इनकी प्रमुख पीठ है। जम्बवाणी, ज्ञान सागर और जम्ब संहिता इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। अगला, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? तो मल्लीनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है। अगला, पर्युवर्षण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो पर्युवर्षण पर्व जो है वो आपके जैन धर्म से संबंधित है। अगला, बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? तो बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? जयपुर जिले में लगता है बाण गंगा का मेला, प्रतिवर्ष वैशाख माह में लगता है। अगला, राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प या कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प या कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का इनाम दिया जाता है? इसका उत्तर होगा आपका सी, 25,000 रुपए। अगला, राजस्थान में किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्ता उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता करवाई जाती है? राजस्थान में किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता को मल्टी ब्रांड गुणवत्ता उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, अन्नपूर्णा भंडार योजना। कौन सी होगी? अन्नपूर्णा भंडार योजना। राजस्थान में अन्नपूर्णा भंडार योजना द्वारा ग्रामीण
क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्ता उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता करवाई जाती है। अगला है प्रश्न, वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय खाद्य मिशन के वित्तीय पोषण पैटर्न में केंद्रीयांश एवं राज्यांश का कितना अनुपात है? वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्तीय पोषण पैटर्न में केंद्रीयांश व राज्यांश का क्या अनुपात होगा? तो इसका उत्तर होगा आपका बी 60:40। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको केंद्रीय केंद्र का अंश कितना रहेगा तो आपका रहेगा 60, राज्य का अंश कितना रहेगा तो आपको ध्यान रखना है ये 40% खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत ध्यान रखना। अगला, आपनी योजना आपनों विकास क्या है? तो आपनी योजना आपनों विकास क्या है? तो इसका उत्तर होगा आपका ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक विशिष्ट मार्गदर्शिका। ग्राम पंचायत विकास के निर्माण, ग्राम पंचायत योजना का जो निर्माण है और प्रभावी क्रियान्वयन है तो उसके विशिष्ट एक उससे संबंधित एक विशिष्ट मार्गदर्शिका प्रदान की गई है, तो वो होती है इसके अंतर्गत आपनी योजना आपनों विकास। अगला अगला प्रश्न है, राजस्थान के 5वें राज्य वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राज्य के प्रतिशत हिस्से का वितरण ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को करना है, तो इसका उत्तर होगा आपका बी 7.182। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक कौन से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में आ चुका है वापस रिपीटेशन के दौरान, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन से हैं? तो सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन से हैं? श्रीगंगानगर, अलवर और भरतपुर। श्रीगंगानगर, अलवर और भरतपुर जो है वो सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले माने जाते हैं। अगला, केंद्रीय मत्स्यकी शिक्षण संस्थान मुंबई के द्वारा किए गए अध्ययन 2010 के अनुसार राजस्थान में मत्स्य उत्पादन की वार्षिक क्षमता क्या है? तो केंद्रीय मत्स्यकी शिक्षण संस्थान मुंबई के द्वारा जारी किए गए अध्ययन 2010 के अनुसार राजस्थान में मत्स्य उत्पादन की क्षमता कितनी है वार्षिक? तो राजस्थान में मत्स्य उत्पादन की वार्षिक क्षमता है आपका सी 80,000 मैट्रिक टन से अधिक। अगला, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? सी चंबल नाम है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चंबल है और इसमें हिस्सेदारी कितनी है भाई आपके 50-50% है, ध्यान रखिएगा। अगला, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय मूल्यांकन अवधि 2013-15 में राज्य के वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि कितनी दर्ज की गई है? भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय मूल्यांकन अवधि 2013-15 के राज्य के वनाच्छादित क्षेत्र में कितनी दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी 85 वर्ग किलोमीटर की। अगला, अरावली वन रोपण परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो अरावली वन रोपण परियोजना कब आरंभ हुई? इसका उत्तर होगा आपके 1992-93 के मध्य, 1992-93 के मध्य जो है अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई थी। अगला, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका सी संगीत से संबंधित है, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध संगीत क्षेत्र से है। अगला, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न में से किस रसायन से है? जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न में से किस रसायन से है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी एथेनॉल, किस से है? एथेनॉल से है। अगला, चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में है? इसका उत्तर होगा आपका बी ओडिशा में है, कहां से है? ओडिशा में है। चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में है? ओडिशा में है। अगला, चंद्रभागा समुद्र तट कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ओडिशा से 3 किलोमीटर दूर स्थित है, ठंडी हवा की सरसराहट और साफ पानी के साथ तट की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्राकृतिक सुंदरता सैलानियों को अद्भुत पर्यटन स्थल की ओर आकर्षित करती है। तो चंद्रभागा समुद्र तट जो है वो भारत के ओडिशा राज्य में। अगला, पुस्तक जिसका नाम है ज्यूडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है आपके ज्यूडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी दलवीर भंडारी। क्या नाम है? दलवीर भंडारी। अगला, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी आपके हाल ही में 2022 में दो एग्जाम में कंटिन्यूअली रिपीट हुआ है। स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में है? स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए माधवेंद्र पैलेस में है स्कल्पचर पार्क, माधवेंद्र पैलेस में स्थित है स्कल्पचर पार्क। अगला प्रश्न, दीपक चाहर नाम का संबंध किस खेल से संबंधित है? दीपक चाहर कौन है और उनका संबंध किस है? तो दीपक चाहर जो है वो आपके क्रिकेट से संबंधित है, या प्रथम श्रेणी क्रिकेट के खिलाड़ी है जो घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए खेलते हैं। अगला प्रश्न, पोलावरम डैम
निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पोलावरम डैम जो है वो आपके किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए आंध्र प्रदेश में है, एपी। अगला है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना का आरंभ किस वर्ष से हुआ था? तो प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना का आरंभ कहां से हुआ था? 2017 से हुआ था। अगला हेरिटेज वीक 2017 का आयोजन का आरंभ निम्न में से किस वर्ष किया गया था? हेरिटेज वीक 2017 का आयोजन का प्रारंभ किस निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डी जयपुर से हुआ था। कहां से हुआ था? जयपुर से हुआ था हेरिटेज वीक 2017 का आयोजन। अगला सूर्य किरण भारतीय सेना का निम्न में से किस देश के साथ किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास है? तो भारत सेना का किस देश के साथ एक युद्धाभ्यास किया गया था जिसका नाम था सूर्य किरण? तो इसका उत्तर होगा आपका डी नेपाल। भारत और नेपाल के मध्य एक युद्धाभ्यास हुआ था जिसका नाम था सूर्य किरण युद्धाभ्यास। अगला राजस्थान में निम्न में से कौन सा चरण मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का नवीनतम चरण है? तो निम्न में से कौन सा चरण जो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का नवीनतम चरण है, न्यू वर्जन है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी तृतीय। अगला कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कर्नाटक के राज्यपाल कौन थे? तो इसका उत्तर होगा आपका डी वज्जुभाई वाला। तो इसमें देखो कुछ आपके इंडिया जीके भी है तो उनके ऊपर अभी आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि आपके नहीं आने वाले इसमें, ठीक है। जो इंडिया के राजस्थान जीके है उनके ऊपर आपको फोकस रखना है। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012 तक। अगला निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी बांसवाड़ा में अनास बांध परियोजना का निर्माण जो है किया गया था। अगला ऑपरेशन स्वर्ण जिसकी घोषणा दिसंबर 2010 में की थी इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑपरेशन स्वर्ण का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा आपका बी रेलवे से संबंधित है ऑपरेशन स्वर्ण। शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 2017। जनगणना 2011, देखो 2011 की जनगणना आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, ये हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन मिलता है आपको। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। तो जिलों को ज्यादा से कम साक्षरता दर के अनुसार आपको चिन्हित करना है, यानी सबसे ज्यादा किस में आई थी, कम किस में आई थी। तो इसके अंदर देख के आपके आएगी पहले कोटा, कोटा के बाद आता है जयपुर, जयपुर के बाद झुंझुनू, उसके बाद सीकर और उसके बाद अलवर, ठीक है, जय जूसी ई। तो ये आपका जो है क्रम रहेगा इसमें, फिर पहले आएगा कोटा सबसे अधिक, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू, फिर सीकर और अलवर, ये आपका सही क्रम रहेगा अधिक से कम की ओर। अगला सही क्रम आपको यहाँ पर चुनना है, ठीक है, बांध और उसको नदी से मिलाना है। तो यहाँ पर आपका सही क्रम बनता है बीसलपुर बांध बनास नदी से संबंधित है, बीसलपुर बांध बनास नदी से संबंधित है। अगला राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? तो राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर आपके सामने है, वो होगा आपका सी हाड़ोती पठार में। मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र हाड़ोती पठार में है, ठीक है, जिसे अवनलिका अपरदन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला गग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी गग्गर और सतलज नदियों के निक्षेपण से बना है दोआब मैदान। अगला सही समूह को चिन्हित करना यहाँ पर भी आपके, तो यहाँ पर देखिए आपका सही समूह है आपका बी खेतड़ी सिंगाना और तांबा, खेतड़ी सिंगाना और तांबा जो है वो सही है। इसके बाद देखा तो जो डाबला सिंगाना यहाँ पर बेराइट दिया, तो यहाँ पर ध्यान रखना है डाबला सिंगाना है लोह से संबंधित, राजपुरा दरीबा जो है वो आपके सीसा और जस्ता से संबंधित, तथा झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट, ये एग्जाम में आ चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा जिला डेयरी दूध संकलन में प्रथम क्रम पर है? निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा एक जिला डेयरी दूध संकलन में प्रथम क्रम पर आया है? तो उसका उत्तर होगा आपका डी जयपुर आया है। अगला पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? तो उसका उत्तर होगा आपका सी धामण। धामण जो चारावा है, चारा जो है वो आपके सर्वश्रेष्ठ माना जाता है दुधारू पशुओं के लिए। अगला यहाँ पर आपको असुमिलित यानी जो सही जुड़ा नहीं है वर्तमान नाम और उसके प्राचीन नाम से, उसको आपको छांटना है। तो प्रश्न संख्या 48 में आपका राइट आंसर होगा ए भरतपुर जो है वो विराट से संबंधित थी, आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर आपका इसमें सही कौन सा क्रम होगा, ठीक है। तो युद्ध जो है वो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम है, गंगानगर और हनुमानगढ़ का, ठीक है, प्राचीन नाम क्या है? तो युद्ध है, हनुमान जी ने युद्ध किया। अगला उदयपुर जो है वो आपके सीवी जनपद से संबंधित है, ठीक है। जालोर का प्राचीन नाम स्वर्णगिरी है और जयपुर का पुराना नाम आपके विराटनगर है।
अगला राजस्थान में सीता माता अभयारण्य कहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है, सॉरी तो सीता माता अभयारण्य जो है वो आपके उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, सीता माता अभयारण्य उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा ठीक है। ये उड़न गिलहरी कहाँ पर रहती है, तो महुआ के पेड़ों पर रहती है, कहाँ पर रहती है, महुआ के पेड़ों पर रहती है, जिसका स्थान नाम अशोभा है, अशोभा नाम है इनका, ध्यान रखिएगा। अगला वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत वन क्षेत्रों से आच्छादित होना चाहिए, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है वो वनों से आच्छादित होना चाहिए, तो उसका उत्तर होगा आपका सी 33%। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो सभी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब कुछ वाइवा क्वेश्चंस आपके लिए जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन का नवीनतम चरण जो है उसका वो कौन सा नवीन चरण है भाई, ये बताना आपको। अगला प्रश्न है आपके अनास बांध परियोजना का संबंध जो है किस बांध से है। अगला है आपका दीपक चाहर जो है वो आपके किस खेल से संबंधित है। और लास्ट प्रश्न आपके लिए आज का कि राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन से हैं। इन प्रश्नों का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में और वीडियो को जरूर शेयर करना। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल एनवीर एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करें। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं, मिलते हैं एक और नई वीडियो टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।